के साथ मुठभेड़ का दावा किया गया था। इस मुठभेड़ में पुलिस और सरकार की ओर से 17 नक्सलियों के मारे जाने की बात कही गई थी, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मारे गए लोगों को ग्रामीण आदिवासी बताया। लगातार विरोध के बाद तत्कालीन सरकार ने न्यायिक जांच आयोग गठित की। जांच आयोग ने बीते नवंबर में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों की एक तरफा कार्रवाई में 17 आदिवासी मारे गए। वहीं अब इसी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सवाल यह है कि जब सरकेगुड़ा की घटना के बाद ही मुठभेड़ के फर्जी होने की बात साफ हो गई थी, तो फिर जांच रिपोर्ट आने में 7 साल का लंबा समय क्यों लगा, और क्या अब 17 निर्दोष आदिवासियों की हत्याओं को सजा मिल पाएगी। खैर, अब बात मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में सहायक प्राध्यापक इंदौर के महू से नियुक्ति की मांग को लेकर पैदल निकले थे, जिनके राजधानी पहुंचने से पहले ही उच्च शिक्षा विभाग ने 5 लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और भड़क गए और उन्होंने भोपाल के नीलम पार्क में डेरा डाल दिया। लर्निंग की मांग को लेकर जहां पहले इन्होंने मुंडन कराया और इसके बाद ये भूख हड़ताल पर डट गए और अभी भी डटे, साथ ही मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। लेकिन क्या कड़ाके की ठंड में रात को सर्द हवाओं के बीच आंदोलनरत इन प्रोफेसर की मांग पर सरकार का रुख नरम होगा या फिर आंदोलन और बढ़ेगा? आज इस बात पर भी विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के उस बड़े मुद्दे से मुठभेड़ का जपमाया जाए। तो सरकेगुड़ा का सच अब दुनिया के सामने है। जून 2012 को हुई इस घटना की जांच के लिए गठित जस्टिस वीके अग्रवाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट से साफ होता है कि 28 और 29 जून की दरमियानी रात को बीजापुर के सरकेगुड़ा में मुठभेड़ नहीं हुई थी, बल्कि आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों की जानें गईं, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? इसे लेकर चर्चा शुरू करें, चलिए उसके पहले दिखाते हैं अपनी खास। हमारा 17 लोगों को यहाँ खड़ा करिए, उसके बाद आप राशन पानी यहाँ डालिए, तब तक हम नहीं लेंगे। पहला वीडियो घटना के कुछ दिन बाद का है, जब CTRO घटना स्थल पर गई थी। हवा की सरसराहट के साथ यहाँ की फिजा में मातमी खामोशी छाई हुई थी। जबकि दूसरा वीडियो इसके कुछ और दिन बाद का है, जब मातम गुस्से में तब्दील हो गया। जब तक हमारे लोग यहाँ नहीं आएंगे, हम लोगों को नहीं चाहिए, आप लोग का राशन पानी, आपका मदद भी नहीं चाहिए हम लोगों को। अक्सर ऐसा तब होता है जब लोगों का मौत से खौफ खत्म हो जाता है। शायद गुस्ताखी सरकार की थी जो उसने उस सरकेगुड़ा गांव में राशन भेज दिया, जहां 17 लोगों की निरंतर हत्या कर दी गई। मौत से गमजदा गांव ने सरकार का नमक तक खाने से मना कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। घटना 7 साल पहले 2012 में 28-29 जून दरमियान रात की है, जब बीजापुर के सरकेगुड़ा में जवान जमा हुए, फिर नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवानों ने आदिवासियों को भून दिया। बालिक नाबालिग मिलाकर कुल 17 लोगों की मौत फौज की गोलियों से हुई। फौज में CRPF, कोबरा बटालियन और पुलिस के जवान शामिल थे। इस घटना को पुलिस और सरकार नक्सलियों की हत्या बता रही थी, लेकिन ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया और विपक्ष इसे नरसंहार बता रहा था। लगातार उठते सवालों के बाद तत्कालीन दमन सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज वीके अग्रवाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन कर दिया, जिसने रिपोर्ट तैयार करने में 7 साल लगा दिए। लेकिन जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए।
पता चला कि 28 जून 2012 को 17 बेगुना की जान नक्सली बताकर ले ली गई। रिपोर्ट आने तक प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो चुकी है, जिसने आदिवासियों की हत्यारों पर पहले जमकर हंगामा किया था, लेकिन अब वो खुद इंसाफ का जिम्मा राज्यपाल पर छोड़ दिया है। अब जो राज्यपाल जी की तरफ से निर्देश आएगा उसको परीक्षण किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट एक महीने के बाद जब विधानसभा में रखी गई, तो विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन यह हंगामा उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए नहीं हुआ। यह हंगामा इसलिए हुआ कि सदन के भाजपाई सदस्यों से पहले यह रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हो गई। सत्र चल रहा है और पटल पे न रख करके जो ये समाचार पत्रों में छपा है निश्चित रूप से विधानसभा की अवमानना है। राजनेता कुछ भी कहें, लेकिन ये आदिवासियों की खुशकिस्मती है कि जिन गुमनाम लोगों ने उनके साथ 7 साल संघर्ष किया वो आज भी उनके साथ है। आपराधिक मामला तो है ही, पर साथ में यही है कि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट विभागीय जांच भी इसमें अभी तक संपूर्ण नहीं हुई है, तो विभागीय स्तर पे तो उनको कुछ तो सोचना चाहिए कि ये कैसा हुआ है, बार बार आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं, इनको कैसे रोका जाए। बहरहाल बड़े सवाल अब भी मौजूद है, घटना की जिम्मेदारी कैसे तय होगी, कौन तय करेगा, जो जिम्मेदार है उनको सजा कैसे मिलेगी, जिन लोगों ने इस शर्मनाक घटना को अपनी बहादुरी के किस्से बताकर फर्जीवाड़ा किया वो कैसे बेनकाब होंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रूपेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो मुठभेड़ का मायाजाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो जुड़ रहे हैं बीजापुर के कांग्रेस विधायक है विक्रम मंडावी जी है, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश तिवारी जी है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे मौजूदा विषय विश्लेषक अवधेश पांडे जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के अग्री, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बात तो यहाँ हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के श्रीचंद सुंदरानी जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन क्योंकि मामला उनके समय का है और उनके समय के होने के कारण सवाल जवाब भी उन्हीं से पूछे जाने थे, ऐसी स्थिति में अंतिम समय में सुंदरानी जी का संदेश आता है हमारे संपादक मनोज सिंह वर्घेल के पास कि किन्हीं कारणों से हम नहीं आ पाए। तो निश्चित तौर पर ऐसे में हम दिखा रहे हैं आपको जिस कुर्सी में सुंदरानी जी को बैठना था वो कुर्सी खाली है। खैर चर्चा शुरू करते हैं, चर्चा शुरू कर सबसे पहले अवधेश जी बहुत संक्षेप में बहुत लंबा विश्लेषण नहीं किए विश्लेषक, ये जो भी घटना हुई है इसमें अब क्या होना चाहिए, कुर्सी मामला राज्यपाल के पास सरकार ने भेज दिया है, अब क्या? देखिए त्रिपाठी जी, ये नरसंहार जो हुआ था जी जून 2012 में 28 जून और 29 जून की दरमियानी रात जी, जिसमें ये कहा गया कि साहब नक्सलाइट थे, आज ये घटना कुल मिला के इस मोड़ पे आ गई है कि ये एनकाउंटर था, कुल मिला के आम आदमी जो वहाँ निवास करते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी घटना घटी थी, जो कुल मिला के जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये घटना थी जो सशस्त्र बलों ने अपना ये कहा कि नहीं साहब नक्सलाइट थे, और बीजेपी सरकार के टाइम चूंकि ये हुआ था, तो आज जो आप बता रहे हैं सुंदरानी जी नहीं आ रहे हैं क्योंकि सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़ा था उस टाइम पर रमन सरकार के ऊपर कि उनको मजबूरी में एक जांच बिठानी पड़ी, न्यायिक जांच बिठाई और बीके अग्रवाल जी जो भी पूर्व जस्टिस थे उनको नियुक्त किया गया, उनकी रिपोर्ट चूंकि 7 साल क्यों लगे ये सबसे बड़ी बात है, जब पहले दिन से ही मतलब 15 दिन या 20 दिन के बाद ये पता चल गया था कि ये चूंकि जो मारे गए हैं वो ग्रामीण हैं कोई नक्सलाइट नहीं है, बीजेपी इसको दबाती रही पहले तो पुरजोर कोशिश की बताने के लिए कि नहीं नक्सलाइट से नक्सलाइट से, जब मीडिया ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस ने जब इसमें मुखर हुए तो उनने ये माना कि चलिए ठीक है जो भी होगा हम एक जांच आयोग बिठा देते हैं और जांच करवाते हैं। आज अब वो जांच आयोग का रिजल्ट जो आना था क्योंकि एक महीने पहले अक्टूबर में आ गया था, वो 17 अक्टूबर को जैसे उसमें पेश कर दे दिया गया था सरकार के पास, यार पीएफ के उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन लोगों ने उनको आदेश दिया था, तिवारी जी कार्रवाई का उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तिवारी जी बहुत नृशंस घटना है, तिवारी जी 5 बच्चे मारे गए उसमें, तिवारी जी एक बार आप सवाल करेंगे तो तिवारी जी ये कार्रवाई हो और एक नजीर कायम की जाए कि नहीं। तिवारी जी अभी मैंने आपसे सवाल नहीं किया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं बहुत छोटा सा सवाल विषय विश्लेषक है अवधेश पांडे जी उनसे मैंने किया है, आपसे और मांडवी जी से ही हम सवाल करेंगे, बात यहाँ पहले एक बार विश्लेषक की ले लें। पांडे जी हम ये सब छोड़ दीजिए घटना क्या हुई है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब मामला गवर्नर के पाले में डाल दिया गया, यही कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक थी, सरकार है उनकी, ऐसा क्यों संक्षेप में?
तो वही देखिए, जब ये रिपोर्ट है गवर्नर के पास है, सीएम साहब ने कहा, भूपेश बघेल ने कहा कि क्योंकि गवर्नर के उसमें आ गया है, तो देखते हैं पटल पे आएगा उसमें मुझे क्या करना है, क्या उसमें कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, और क्या रिपोर्ट है। एक्चुअल में जो रिपोर्ट अभी है थोड़ा लीक हुई है, मतलब पूरी रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, तो पूरी रिपोर्ट जब पटल में रखी जाएगी और उसको देखा जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है, देन उसके ऊपर कार्रवाई की बनती है। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना थी, बच्चों को मारा गया और 17 लोग जो जिस तरह से मतलब मारे गए, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी मतलब दुर्दशा कहना चाहिए कि मतलब सरकार की तरफ से फेलियर था कि या जो भी सशस्त्र बल थे उनने ये जो भी किया है, ये बहुत ही भयानक थी, व्यवस्था का फेलियर था, व्यवस्था का फेलियर। अग्निहोत्री जी, आयोग की इसी तरह 7 साल बहुत जल्दी आ गई मुझे लगता है। मैंने कई ऐसे आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया है जिनको 12 साल, 14 साल, 15 साल, आपको ध्यान हो जगतपति कमेटी, चुनाव डाटी, जगतपति कमेटी कितने सालों तक चली है, और हमें लगता है कि 15-16 साल बाद उसकी रिपोर्ट आई। संक्षेप में आपसे। नहीं तो बड़ी जो एक केस सेट एंड डाउन था जी, एकदम से मतलब सबको पता था, 10-15 दिन बाद ही सबको पता चल गया, जैसा पांडे जी बता रहे हैं जी, कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था, और फर्जी एनकाउंटर भी शायद एक धोखे में किया गया होगा। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ सुरक्षा बलों का, लेकिन हो सकता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन और सारी चीजों को लेकर के ये एनकाउंटर हुआ हो, लेकिन जो भी हुआ वो दर्दनाक था। और अब उसको यदि दरअसल अब जो कंट्रोवर्सी जो खड़ी हुई है, वो कंट्रोवर्सी इसलिए हुई है कि कैबिनेट की बैठक में वह रिपोर्ट पेश होने के बाद मीडिया में कैसे लीक हो गई, उसको विधानसभा के पटल पर रखना एक संवैधानिक मजबूरी सरकार की होती है कि यदि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो विधानसभा के पटल पर पहले रखी जाए, उसके बाद वह सार्वजनिक होती है और जनता के बीच में जाती है। यह एक आपत्ति भारतीय जनता पार्टी जो अब विपक्ष में है उसकी है। चलिए हम तिवारी जी के पास चले, लेकिन रायपुर से दर्शक है रिंकू शर्मा जी, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। रिंकू जी संक्षेप में सवाल करें। मेरा सवाल विक्रम मंडावी जी से है जी, कि जो जनसंघ हुआ उसमें आरोप लगे थे कि सुरक्षा बल थे ही, लेकिन जो कर्मा जी की निजी सेना कह सकते हैं सलवा जोड़ू उनके कार्यकर्ता थे, और उन्होंने फायरिंग की, उन्होंने हत्या की, और नक्सलियों ने बयान जारी किया था कि ये जनसंघार है, जो कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की जो निजी सेना है वो भी इसमें शामिल है, किस मुंह से विरोध करेंगे इसका ही? चलिए हम मांडवी से सवाल ले लेंगे। जगदलपुर से संजय शर्मा जी है, संजय जी सवाल करें, संजय जी सवाल करें, संजय जी आप टीवी सेट का वॉल्यूम खोल रखा है आपने, लगता है संपर्क में जी। अवधेश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, सत्ता में कांग्रेस है, क्या लगता है वो जो घटना हुई है वो तो सबको मालूम है, सामने आ गई है, क्या लगता है कि क्या जो दोषी है उनको सजा मिल पाएगी, जो बेकसूर लोगों की हत्याएं की गई हैं उनको न्याय मिल पाएगा? जी देखिए, जो जुडिशली कमेटी बनाई गई रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनाई गई है जी, और 7 साल बाद ये जो है रिपोर्ट में आया है कि लोग दोषी है, फर्जी मुठभेड़ है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट जबकि पहले भी आ सकती थी जब भाजपा की सरकार थी जी, तात्कालिक तौर पे ये कहना मुश्किल है कि अभी कार्रवाई होगी कि नहीं, और जो राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है जी, राज्यपाल जो है वो कहेंगे कि इसमें कार्रवाई अगर करनी भी होगी तो सीआरपीएफ के अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी, और वो केंद्र के जो लोग थे वो मौजूद उसको उन पर कार्रवाई करनी होगी जी, क्योंकि इसमें स्टेट पुलिस का रोल जो है जी वो कहीं नहीं है। जब पूरी घटना को आप जानेंगे देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये पूरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम थी जिसने इस घटना को अंजाम दिया। जो जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें भी उंगली उठाई गई है पूरी की पूरी तरह से सीआरपीएफ पर जी, तो किस तरह की कार्रवाई, कैसी कार्रवाई करेंगे ये देखना होगा, और इससे कांग्रेस पार्टी को किसी तरह का पॉलिटिकल माइलेज मिलने जा रहा है ऐसा नहीं लगता। मुझे यह भी नहीं लगता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर या तत्कालीन गृह मंत्री पर किसी प्रकार की कोई बात, हाँ ये जरूर है ये भाजपा को करना चाहिए था कि जब घटना घटी उसके तत्काल बाद गृह मंत्री जिस तरह से उस वक्त लिपापोती कर रहे थे तत्कालीन नहीं करते, और कहते कि हाँ हम इस मामले की जांच जो है न्यायिक आयोग कर रहा है, जो भी दोषी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इसमें सुरक्षा बल के अधिकारियों पर ही गाज गिरनी है, जैसा कि पहले भी जांच रिपोर्ट्स में हो चुका है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता पर या किसी मंत्री पर
कोई कार्रवाई होगी इसकी संभावना मुझे नहीं दिखती। बिल्कुल तिवारी जी, लेकिन आपने एक बात कही है कि सीआरपीएफ के जवान जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जहां तक थोड़ा बहुत मुझे मालूम है सीआरपीएफ बाहर की जो एजेंसी है वो डायरेक्शन उनको वहां की लोकल यानी एसपी डीआईजी इनके थ्रू मिलती है, माने स्थानीय पुलिस छत्तीसगढ़ राज्य के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको गाइडेंस मिलता है। तो ये कहीं चूक हुई है क्या आपको लगता है? जी देखिए, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट पढ़ी है, और मैं कमीशन के जो पहले आज ऐसा नहीं है कि 2019 में अभी रिपोर्ट आई है, 2014-15 में भी उस रिपोर्ट के कुछ तथ्य सामने आए थे जी। उसमें जो डिस्क्रेपेंसीज थी उसमें डीआईजी का जो अपना बयान था, डीआईजी ने कहा कि हम 43 लोगों की टीम के साथ थे, लेकिन कमीशन ने जब अलग से इंक्वायरी की तो पता लगा उनके साथ 192 जवानों की टीम थी जी। एक उसमें था ज्ञानेंद्र प्रकाश नाम का कांस्टेबल, उसका बयान हुआ, उसने बयान दिया कि हमको मेरे चेस्ट में चोट लगी थी, बाद में फिर दूसरे लोगों को बताया गया, कमीशन को बताया उसने कि मेरे दाएं पैर में चोट लगी थी। तमाम तरह की त्रुटियां उसमें कमीशन ने खास तौर से सीआरपीएफ के अधिकारियों से, सीआरपीएफ के जवानों से और उस गांव के लोगों से बातचीत किए जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पे उस मौके पर। और आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि देखिए सीआरपीएफ जब भी एरिया डोमिनेट करती है नक्सल प्रभावित इलाकों में, लोकल पुलिस से इंटेलिजेंस की इनपुट लेती है हाँ। और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि ये कॉम्बिंग रात में हुई थी 12-1 बजे के आसपास, केवल सीआरपीएफ थी, पुलिस के लोग साथ में नहीं थे, सीआरपीएफ की टीम ने ही एरिया डोमिनेट किया था। तो इसमें स्थानीय पुलिस को दोष नहीं दिया जा सकता कि हाँ अब इनपुट का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, कितना ये गलत रहा, ये जरूर देखने की बात है। बिल्कुल, हम मानवी जी सवाल करें, एक दर्शक है हमारे साथ, मोहित चौहान है बीजापुर से सवाल कर रहे हैं। मोहित जी स्वागत, सवाल करें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था 28 जून 2012 की ये जो घटना है जी, और इसमें 17 निर्दोष आदिवासियों का कत्लेआम किया गया था जी, और माननीय विधायक जी विक्रम मंडावी जी से मेरा ये सवाल है कि इस मुद्दे को कांग्रेस ने बहुत जोरों से उठाया था उस समय पे, आज 8 साल 7 सालों के बाद ये मुद्दा फिर से उठाए, तो मृतकों के जो परिवार है उनको क्या मिलेगा और जो दोषी उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करेगी प्रशासन और सरकार? बिल्कुल मांडवी जी से सवाल आपसे बहुत सारे हैं, पहले तो मैं चाहूंगा मोहित जी बीजापुर से ही हैं उनका उत्तर दे दीजिए कि जो पीड़ित हैं उनको किस तरह ने आप, ठीक है सत्ता और गवर्नर साहब मतलब आपकी सरकार है और महामहिम के बीच में ये फाइल क्या होगा क्या नहीं होगा, 7 साल लग गए इसकी जांच होने में, अब आगे जो दोषी है उनको सजा कैसे मिलेगी, इसमें कितना समय लगेगा ये हम भी नहीं जानते, लेकिन आप कितनी जल्दी उनको सजा दिलवाएंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? मांडवी जी। जी देखिए, आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किया और जिस तरीके से बीजापुर जिले के सारकेडूड़ा गांव की घटना हुआ जहां पर उस गांव के निर्दोष आदिवासियों ने बीज पंडुम के नाम से जो जमा हुए थे, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने उन निर्दोष आदिवासियों को मौत के घाट उतारा था, उस मामले को लेकर जो जांच रिपोर्ट में भी ये बात का खुलासा हुआ है कि वे निर्दोष थे, उस मामले को लेकर राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने मिला और राज्यपाल महोदय जी को पूरी बातों से विस्तृत जानकारी दिया और हमने मांग की कि इस पूरे जो जांच रिपोर्ट आया उस पर कार्रवाई, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए और जो भी उस पर जो मृतक है उनको, उनके घर वालों को मुआवजा के रूप में 20-20 लाख रुपए मिले और अनुकंपा नौकरी भी उनको दिया जाए, ये मांग आज हम लोगों ने आदिवासी विधायक के नेतृत्व में, माननीय मोहन मरकाम जी नेतृत्व में ये बात महामहिम राज्यपाल जी से किया है और सरकार से भी इस बात को करने जा रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को न्याय मिले, ये मांग हमारा है। अरे विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल ये, आपने कहा मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपए मिले, नंबर एक, नंबर दो, आप क्यों मांग कर रहे हैं, आपकी सरकार है 20 लाख रुपए, आपकी सरकार है, आप मांग करेंगे, आपकी सरकार है, आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, 20 लाख ठीक है, उनको मृत्युदंड दिया जाए, दोषियों को आजन्म कारावास दिया जाए, ये गवर्नर साहब के पाले में आप लोगों ने डाल दिया है क्योंकि आप खुद संकट में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए कम से कम मुआवजा और नौकरी का निर्णय तो आपकी सरकार खुद ले सकती है, क्यों नहीं ले रही है?
नहीं नहीं ये 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 निर्णय लेने वाली हमारी सरकार लेगी और इसको लेकर हम लोग जी जी हम लोग बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनसे भी मांग करेंगे कि मुआवजा भी मिले नौकरी भी मिले साथ साथ में जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हो ताकि जो आदिवासी पिछले 7 साल से लंबे इंतजार कर रहे थे उन्हें न्याय मिले ये मांग हमारी रहेगी। मांडवी जी फिर वही मेरा सवाल है आपसे, इसके पहले भी यही सवाल था, भूपेश बघेल जी अध्यक्ष रहते हुए बड़े दमखम के साथ रमन सरकार को घेरने का प्रयास किए, जो आप कह रहे हैं 20 लाख इसकी डिमांड उस समय भी उन्होंने की थी और नौकरी दी जाए, आज जब रिपोर्ट आ गई है पटल पे रखी गई है रखी जानी है तो उनको तुरंत निर्णय लेने की, कितने 17 परिवार हैं उनमें से एक एक को नौकरी दे दे, 20-20 लाख का मुआवजा मृतक परिवार जो भी उनका वारिस है उसको दे दे। क्या परेशानी है? इसमें परेशानी किस बात की है? आप मांग करेंगे तो फिर विपक्ष क्या करेगा? बिल्कुल ये होना भी चाहिए। नहीं इसमें आप निश्चित रहिए, ये बिल्कुल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की और हमें पूरा उम्मीद है कि मुआवजा भी मिलेगा और जो नौकरी भी मिलेगा और जो इस पूरे जांच रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई होना है वो कार्रवाई हो रहा है ऐसा मुझे उम्मीद है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सरकार बनने के बाद में बस्तर में आदिवासियों का विश्वास जो कांग्रेस सरकार के प्रति ज्यादा है और जो जिस तरीके से काम आदिवासियों के लिए वंचितों के लिए गरीबों के लिए हो रहा है उसे निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो न्याय भी मिलेगा और आदिवासियों का विश्वास बराबर कांग्रेस सरकार के ऊपर रहेगा। हम निश्चिंत हमें नहीं रहना है निश्चिंत। मंडावी जी से इस मंडावी जी से इस बात का अश्योरेंस ले लेना चाहिए कि जो 17 लोग मारे गए उनके परिवार वालों को रोजगार सरकार देगी। मंडावी जी इस बात का ऑन स्क्रीन अश्योरेंस दें। वही तो मैं कह रहा हूँ, मंडावी जी कह रहे हैं आप निश्चिंत रहिए, मुझे निश्चिंत नहीं होना है। बिल्कुल मैं तो आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ उन बेकसूर आदिवासी के परिवारों की तरफ से, उनको दे आपकी सरकार है। मैंने देखा है जिस तरह से मैं मैंने मैं एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते वहां का मौजूदा विधायक भी हूँ और मेरी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है जी। सरकार के में बैठा हूँ उसके साथ साथ में मैं वहां का क्षेत्रीय विधायक हूँ और वहां उनको न्याय मिले ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं जिस तरीके से जो जांच रिपोर्ट आया उसके लिए अंतिम समय तक मैं लड़ाई लड़ूंगा ये आपको मैं आश्वस्त करूंगा। लेकिन लगता है मांडवे जी आप 15 साल से लड़ाई लड़ते लड़ते लड़ाई की ही रट लगाएंगे, अभी भी लड़ाई लड़नी है आपको। अरे भारी दो तिहाई बहुमत से ज्यादा से आपको नहीं। देखिए पिछले जब ये घटना हुआ था जी जब ये घटना हुआ था तब उस समय हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार सौर जी नंद कुमार पटेल जी थे जी। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने प्रवासी लखमा जी विधायक के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाया, सबसे पहले उसमें पूरे विधायकों के साथ में वहां पर जाना लोगों से बात करना उस मामले को उठाना और उसकी लड़ाई लड़े सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और आज भी हम सब लोग उस आदिवासी परिवारों के साथ में हैं और लगातार साथ में रहेंगे। मांडवी जी अब भाषा बदलिए, बेहद दुख है अब सत्ता में है आप। कांग्रेस की सरकार थी लेकिन किसी भी केंद्रीय मंत्री ने सर के गुड़ा का दौरा नहीं किया, 17 लोग मार दिए गए, एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं आया कांग्रेस पार्टी का वहां पर, ये सच्चाई है? नहीं ये बात सही है, उस समय हमारी सरकार केंद्र में थी लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी कई बार इस बात को बताया था कि इस तरह से वहां आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ है और उस बातों को लेकर लगातार कांग्रेस हमारे बड़े नेताओं ने लड़ाई लड़ा और केंद्र के अंदर में भी अपनी बात रखी है और उसका नतीजा यह है कि इस तरीके से जांच रिपोर्ट जो सामने आया है और उस पर आदिवासियों के हित में यह निर्णय हुआ है और हम चाहेंगे जल्द से जल्द इस जो निर्णय आया उससे उसके आधार पर कार्रवाई हो। इतनी बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है और आज मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक लाइन में, जो कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक लाइन में कह के चल दिए कि जो गवर्नर साहब डिसीजन लेंगे उसके ऊपर हम करेंगे, तो मेरे कहने का मतलब तो वहां पे ये कह सकते थे कि ठीक है गवर्नर साहब का जो डिसीजन है वो है लेकिन जो हमारी मांग पहले की थी उसको हम पूरा करेंगे, ये भी तो कह सकते थे। मंडावी जी जी नहीं आप निश्चित रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कल हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और उन्हें विस्तृत जानकारी भी जिस तरीके से है और मांग भी करेंगे और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है आदिवासी हित के लिए
इस मामले में भी माननीय मुख्यमंत्री जी मंडावी भी भूपेश बघेल की सरकार देते हुए जो सरकार काम कर रही है हम गिनने के लिए नहीं बैठे हैं। हम गिना देंगे किसी दिन एक आध घंटे का प्रोग्राम करके कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने कितना अच्छा काम किया है। यहाँ हम इसलिए आप पे सवाल कर रहे हैं, हमारे तिवारी जी भी सवाल कर रहे हैं कि अब आप सत्ता में नहीं, आपने कहा केंद्र से भी हमने अनुरोध किया था, हमने अब अनुरोध करने की बात नहीं है, आपको रिजल्ट देने की बात है। कब तक रिजल्ट दे देंगे ये बताइए। अभी तो जांच रिपोर्ट विधानसभा में आया है, पटल पर रखे हैं और इससे जांच रिपोर्ट जो सामने आया है उसके बाद में निश्चित तौर पर सरकार के अंदर जो निर्णय लेना है सरकार निर्णय लेगा। और मुझे उम्मीद है कि पहले की सरकारों में आदिवासियों के हित में आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार होते थे उस तरीके से इस सरकार में नहीं है और आदिवासी हित में जो भी कार्रवाई होना है वो होगा, उनको न्याय मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है और न्याय मिलेगा। मंडावी जी हम तिवारी के पास जाएंगे, एक सवाल और है। एक रिंकू शर्मा जगदलपुर से एक सवाल किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि इस जो भी नरसंहार हुआ है इस नरसंहार में आपके महरूम एक बड़े नेता जो उन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी उनके लोग भी शरीक थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बेचारे स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके उनने एक सेना बनाई थी नक्सलियों के खिलाफ लड़ने की, वो भी शरीक थे, क्या उनको आपने चिन्हित किया है, क्या उनके लोगों को भी पकड़ेंगे? नहीं, देखिए इस पूरे घटना में जो भी दोषी हैं चाहे वो किसी भी कोई भी क्यों ना हो, अगर वो ग्रामीणों के द्वारा बयान में आया गया है और जो जांच रिपोर्ट में अगर आया है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा, सरकार या कोई भी उसे बचाने का प्रयास नहीं करेगा, वो आप उसके निश्चित रहिए कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई हो रहा। हम तो निश्चिंत हैं मंडावी जी, निश्चिंत आप उन आदिवासियों को करिए जो आपसे अपेक्षा लगाए बैठे हैं, आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं, सरकार आपकी है, बस्तर में जितनी सीटें आप उपचुनाव भी जीत रहे हैं उन पे उनको निश्चिंत करिए। तिवारी जी मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल विपक्ष में रहने के साथ आदमी खूब डिमांड करता है, मांग करता है, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, सपा रही हो, कहीं किसी भी पार्टी की। आज क्या लगता है आपको अपने अनुभव के अनुसार, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ये जो 20 लाख के मंडावी जी बात कर रहे हैं उस समय भी मुझे ध्यान आपको भी ध्यान होगा दो साल डेढ़ साल बाद ये लगभग ये तय हो चुका था कि नरसंहार हुआ था, नक्सलियों से मुठभेड़ नहीं हुई थी, लगभग ये बात आ गई थी। तो ऐसे में जैसे ही भूपेश बघेल सरकार बनती है जो इन्होंने डिमांड की थी 20 लाख और प्रत्येक परिवार को एक नौकरी, क्या मिल पाएगा आपको न्याय, क्या दिख रहा है आपको तुरंत? जी देखिए एक बात बताऊं, मैं भूपेश बघेल जी की तो नहीं जानता, विक्रम मंडावी जी को बीजापुर के विधायक हैं, इनकी जवाबदेही बहुत ज्यादा है जी। और इनको वहां राजनीति करनी है तो वहां पर, क्योंकि एक बात ये जान लीजिए समूचे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में सरके गुड़ा का ये फर्जी इनकाउंटर एक बड़ा मुद्दा बना है। आदिवासियों के साथ सरकारें किस तरह से पेश आ रही हैं, किस तरह से पुलिस बल पेश आ रहे हैं, किस तरह से अर्धसैनिक बल पेश आ रहे हैं, उसकी मिसाल बन गया है। ये ऐतिहासिक है इस आयोग की रिपोर्ट। अगर ये उन आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये जान लीजिए कभी भी आदिवासी समाज माफ नहीं करने वाला है जी। एकदम निर्दोष बच्चे, एक दस कक्षा दस में पढ़ने वाला लड़का मैं मालूम तबला बजाता था उसको मार डाला। आप बड़े आश्चर्य की बात है कि 7 साल 8 साल आदिवासी को न्याय में लग जाता है इस देश में। ये पूरी की पूरी घटना बेहद निंदनीय है। अब इस सरकार की जो इस सरकार का मैंने जैसे पहले भी कहा, इस सरकार को नजीर पेश करना चाहिए कि इन आदिवासियों का पुनर्वास करे, जिनके बच्चे मरे, जिनके पति मरे, जिनका भाई मरा, उन सबको, और जिसके अलावा जिन लोगों को झूठे आरोपों में उसके बाद गिरफ्तार किया गया जो अधिकारी शामिल रहे, भले वो स्थानीय पुलिस के हो राज्य पुलिस के हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इस आयोग की रिपोर्ट को सिर्फ कैबिनेट में नहीं जनता के बीच दीवार पे चिपका के रखा जाए कि ये हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये घटना घटी है, ये दिखाना चाहिए। बिल्कुल तिवारी जी, संभवतः मुझे बहुत ज्यादा स्मरण नहीं आ रहा है, संभवतः आदिवासियों के हित के लिए जो छठी अनुसूची बनी थी शायद बीजापुर में वो लागू है, छठी अनुसूची। मंडावी जी बताइए।
नहीं, छठवी अनुसूची तो लागू नहीं हुआ है, बीजापुर में पांचवी अनुसूची के तहत अभी है जी। चलिए छठी अनुसूची कम से कम उस जगह पे तो लागू करने की सिफारिश करेंगे क्या आप? बोलिए, ये बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, जो भी आदिवासी के हित में हो, वहाँ के जनता के हित में हो, वो कानून लागू होना चाहिए। आप, और आपको क्या लगता है, आदिवासी के हित में है कि नहीं? मंडावी जी वहाँ की गंभीरता को समझ रहे हैं। मंडावी जी को पता है कि अगर वहाँ के आदिवासी जो में से हो रहे, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनको रोजगार नहीं मिला, उनका पुनर्वास नहीं हुआ, तो इनके लिए कितनी मुश्किल होगी वहाँ। इस बार तो 12 की 12 सीट बस्तर ने दिया है जी। मंडावी जी, मंडावी जी, लगता है हमारे तकनीकी कारणों से संपर्क टूट गया। मंडावी जी, आपको क्या लगता है छठी अनुसूची, आप क्या डिमांड करते हैं? सत्ता में है आप, खुद इस समुदाय से आते हैं, छठी अनुसूची लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश पांडे जी आपका, बहुत बहुत तिवारी जी आपका, मांडवी जी आपका, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आज सत्ता पर काबिज कांग्रेस, जो जून 2012 में सारके गुड़ा की घटना के वक्त विपक्ष में थी, तब उसने मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए रमन सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन तब उसे कामयाबी नहीं मिली। वहीं अब जब 7 साल बाद आई जांच रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि मुठभेड़ में मारे गए 17 लोग नक्सली नहीं बल्कि ग्रामीण आदिवासी थे, तो कांग्रेस ने न्याय का जिम्मा राज्यपाल को सौंप दिया। लेकिन सवाल वही है कि क्या निर्दोष आदिवासियों के हत्यारों को जल्द सजा मिल पाएगी या फिर मामला ठंडे वक्ते में चला जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग को लेकर चल रही जद्दोजहद को। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द आएंगे।